सुजानगढ़ शहर की बाईपास रोड स्थित रेलवे फाटक संख्या 2 के पास गंदे पानी के भराव की समस्या दिनों दिन बद से बदतर होती जा रही है। आम लोगों ने बताया कि हाल ही में सड़क जाम करने के बाद नगर परिषद के आयुक्त ने मौके पर पहुंचकर लोगों को समस्या के स्थायी समाधान का आश्वासन दिया था, लेकिन विडंबना की बात यह है कि नाला जगह जगह से तोड़कर छोड़ दिया गया है और नाला निर्माण का कार्य मौके पर बंद पड़ा हुआ है। ज्यादा समस्या होने पर चांदवास के पास टैंकर लगाकर पानी की निकासी कर दी जाती है, लेकिन 2 नंबर रेल फाटक के पास पानी के भराव की समस्या लोगों को जान जोखिम में डालने के लिए मजबूर करती है। लोग पानी के बीच से गुजरने की बजाय साइड से रेल पटरी के पास से होकर अपने वाहन निकालते हैं। पैदल राहगीर भी यहीं से निकलते हैं, जो कभी भी जनहानि का रूप ले सकती है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जिस सड़क पर से रोज अधिकारी और नेता निकलते हैं, उस पर नाला निर्माण कार्य को गंभीरता के साथ पूरा करवाकर जन समस्या का समाधान जल्द से जल्द क्यों नहीं किया जाता है? क्यों जनता को परेशान होने के लिए छोड़ दिया गया है? आखिर प्रशासन क्यों जानलेवा हादसे का इंतजार कर रहा है? यह समझ से परे की बात है। सोचने वाली बात तो यह है कि जिस दिन यहाँ पर सड़क जाम की गई थी, तब रेलवे फाटक को बंद करवाते हुए प्रशासन ने बच्चों व आम लोगों को रेलवे लाइन के नजदीक से हटाने का काम किया था। अब जब रोज जल भराव के कारण लोग अपने वाहन लेकर रेल लाइन के एकदम नजदीक से निकलते हैं और रेलगाड़ी पास से गुजरती है, तो किसी की जिंदगी को हो रहे इस खतरे से किसी को कोई फर्क क्यों नहीं पड़ता है? बच्चे अपनी साइकिलें लेकर रेल लाइन के पास से निकलते हैं, तो किसी को यह खतरा नजर क्यों नहीं आता है? सुजानगढ़ के गांधी चौक स्थित भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में लोकसभा चुनाव को लेकर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। चूरू सहित 400 से अधिक सीटें पूरे देश में जीतने का दावा बीजेपी नेताओं ने किया है। कार्यक्रम में पूर्व मंत्री खेमाराम मेघवाल ने कहा कि पूरा देश प्रधानमंत्री मोदी को अपार समर्थन देने को आतुर है। बिदासर पंचायत समिति की प्रधान संतोष मेघवाल ने कहा कि चूरू संसदीय क्षेत्र से पैरा ओलंपियन देवेंद्र झाझड़िया को पार्टी ने टिकट दिया है, जिनको पूरे क्षेत्र की जनता चुनाव में मत और भरपूर समर्थन देकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ मजबूत करेगी। मंडल अध्यक्ष भागीरथ करवा ने कहा कि हमें लोकसभा में कमल का फूल खिलाना है और हर कार्यकर्ता को मोदी बनकर चुनाव लड़ना है। इस दौरान नगर परिषद की नेता प्रतिपक्ष जयश्री दाधीच, सालासर भाजपा अध्यक्ष मनोज पुजारी, बिदासर मंडल अध्यक्ष अरुण तिवारी, कानूता मंडल अध्यक्ष बजरंग सिंह, महामंत्री प्रकाश भार्गव, बीजेपी नेता कमल दाधीच, नरेंद्र भाटी, लीलाधर खंडेलवाल, युवा मोर्चा जिला महामंत्री आदित्य पुजारी, आईटी सेल संयोजक मुरारी खंडेलवाल, पार्षद मनोज पारिक, विपिन प्रजापत सहित अनेक लोग मौजूद रहे। निश्चित तौर से चुनाव का बिगुल बज चुका है और जिस प्रकार से आए दिन उथल पुथल मच रही है, और मैं कहना चाहती हूँ कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो टिकट देके कमल का फूल देके जिस व्यक्ति को भेजा है, श्री देवेंद्र जी झाझड़िया जो खुद एक विकलांग व्यक्ति है, लेकिन हौसले उनके बुलंद है और आज वो चूरू के लाल यहाँ पे टिकट लेके कमल का फूल लेके आए हैं, तो निश्चित तौर से हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, हम सब का प्रयास रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा वोट उनको मिले और यहाँ से विजयश्री उनको मिले। चुनाव की आचार संहिता लगने वाली है, घोषणा होने वाली है, और उसके निमित्त हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने, हमारी पार्टी ने देवेंद्र झाझड़िया जी को टिकट दी है, तो उसके लिए हम सब लोग आज एकत्रित हुए हैं और हम ये बात सबके सामने रखने के लिए कि हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मिलकर के और यहाँ से विजय श्री दिलाएंगे। हमेशा की बात ही यहाँ से भारतीय जनता पार्टी लीड ली है, तो निश्चित रूप से उससे भी ज्यादा हम सब मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे। मोदी जी का मिशन 400+ है, तो उसको पूरा करने के लिए यहाँ से मोदी जी को हम यहाँ से भारी मतों से जीता करके भेजेंगे।